जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 जुलाई 2021 के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 1 जुलाई का दिन कैसा रहेगा, इस दिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी, किस तरह के योग बनेंगे और चंद्रमा की स्थिति क्या होगी, किस तरह से इस महीने का पहला दिन आपका रहने वाला है, जानेंगे सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र के बारे में। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो चलिए इस दिन के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं। 1 जुलाई कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और इस दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। गुरुवार का ये दिन है, आषाढ़ मास का गुरुवार, और सौभाग्य नाम का योग बनेगा इस दिन सुबह 10:47 तक। उसके बाद शुभ नाम का योग शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इस दिन पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि नाम का राजयोग भी बनेगा, जो एक उत्तम राजयोग, उत्तम योग माना जाता है। चंद्रमा गुरु की राशि मीन राशि में है और सूर्य तो मिथुन राशि आदर नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं। इसके अलावा इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:57 से दोपहर 12:53 तक। तो ये है स्थिति इस दिन के ग्रह नक्षत्रों की। अब तुला राशि के लोगों के लिए यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो छठे भाव में है। छठे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब छठा भाव जो होता है वो रोग, ऋण, शत्रु और प्रतियोगिताओं को दर्शाता है। तो यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके लिए कुछ ऐसे समय को निर्मित कर रही है जो इस दिन को खास बना रही है। और जुलाई माह के पहले ही दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का होना इस महीना के लिए शुभ संकेत आपके लिए दे रहा है कि महीने की शुरुआत एक अच्छे संकेत के साथ हो रही है। तो उम्मीद है कि ये महीना भी आपके लिए एक अच्छा महीना ही बीतेगा। तो ये समय ऐसा होगा जब आपके पास कुछ खाली वक्त होगा तो उस खाली वक्त का, उस खाली समय का आनंद ले पाएंगे आप। बिना किसी की सलाह लिए आप बस आज कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ना सोचें। अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी से सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। और एक वक्त इस दिन में ऐसा होगा जब कोई मेल, कोई चिट्ठी या कहीं से कोई ऐसी खबर मिलेगी जो पूरे परिवार के लिए एक खुशनुमा पल लेकर आएगी। तो ऐसी भी खबर आपको इस दिन मिलने वाली है। किसी समारोह में आपको जाने का मौका मिल सकता है और किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है, लेकिन समारोह के बाद जब आप घर में लौटेंगे तो घर को समेटना पड़ेगा क्योंकि सारा बिखराव हो जाएगा। तो घर को ठीक ठाक करने में काफ़ी वक्त लगेगा, उसके बाद आराम भी करना है आपको, लेकिन एंजॉय पूरा करने वाले हैं। एंजॉय करने के लिए ये दिन बड़े ख़ास है। साथ में अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करेंगे और जिम्मेदारियाँ वक्त से पूरा कर पाएंगे। अब आपके करियर की बात करते हैं तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि ही आपकी सफलता की कुंजी भी होती है। हमेशा कहती हूँ, जब आप आत्मविश्वासी होते हो तो हर चीज़ को पॉजिटिव लेकर चलते हो, हर चीज़ में अच्छाई ढूंढते हो, और ये होना चाहिए। हर चीज़ में आप अच्छाई ढूंढें, बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को ज़्यादा देखें, बुराइयों को भी देखें लेकिन अच्छाइयों की तरफ आप ध्यान देंगे तो वो आपको मोटिवेट भी करती हैं और आपके लिए काम करने के तरीके भी आपको खोज कर देते हैं। खुद को नेता साबित करने के लिए आपको चुनौतियों का स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं और अपने आप को एक बेहतर राजनेता, बेहतर राजनीतिज्ञ या ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। काम को चलाने की आपकी आदत के कारण काम का प्रेशर ज़्यादा रह सकता है, मानसिक दबाव भी रह सकता है करियर के लिहाज में, इसलिए खुद पर भरोसा रखें, पूरी मेहनत से काम करें, तभी आप अच्छे से खुद को एक्सप्रेस भी कर पाएंगे और आराम के लिए वक्त भी निकालें। आराम करते रहेंगे तभी तो एनर्जी रहेगी आपके अंदर। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी वित्तीय स्थिति के बारे में। तो आपको खुद लगेगा कि व्यवसाय के लिए आज का दिन बहुत ही खास है। तो जमकर बिक्री करने का दिन है, दिन भर की थकान को भूल जाइए और अपनी उत्पादन क्षमता और आर्थिक लाभ का आनंद लीजिए, क्योंकि ये जो समय होगा ये कुछ तो आनंद में भी बीतेगा और काम के प्रेशर में भी बीतेगा, लेकिन जब आपको अपने काम अच्छा दिखेगा तो आप थकान को भूल जाएंगे।
आपकी पहल, आपकी कड़ी मेहनत, आपके आगे बढ़ने की क्षमता की बदौलत आपकी अच्छी आमदनी भी होगी, जिसकी आप उम्मीद भी कर रहे थे। अब चलते हैं शिक्षा के बारे में, जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये दिन कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए आज सामान्य से कुछ हटकर दिन रहने वाला है। आज आप कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ेंगे जो कलात्मक चीज़ें होंगी, या आप स्पोर्ट्स से कुछ आपका अट्रैक्शन होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ों को देखकर मोटिवेट हो सकते हैं। तो कुछ अलग सा दिन आपके लिए रहने वाला है। कहीं सेमिनार में जाने का मौका मिल सकता है, कहीं प्रदर्शनी आदि में जाने का मौका मिल सकता है, नई जानकारियाँ, नए तथ्य आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन काफ़ी अनोखा रहने वाला है। अगर आप एक व्यापारी हैं और कारोबारी हो, तो हो सके तो अपनी कामकाज से जुड़ी हुई बातें, या कहीं आपके कारोबार से जुड़ी हुई बातें किसी से भी शेयर ना करें। किसी से भी शेयर नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना आप मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की। आपके संबंधों में कुछ बदलाव सा नज़र आएगा, ये बदलाव आपके ऊपर भी दिखाई देगा। आपके संबंध पहले से काफ़ी बेहतर होंगे और लंबे समय तक रहने वाली मधुरता की नींव आपके संबंधों में इस दौरान देखने को मिलेगी। ये दिन आपके वैवाहिक जीवन से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें रहेंगी और वैवाहिक जीवन अच्छा भी रहेगा। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कुछ खास देखने को मिल सकता है, तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी ये दिन अच्छा है और पारिवारिक जीवन भी आपके लिए संतुलित रहेगा, यानी सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है। प्रेम में तो आपका जो समय है वो 100% आप कह सकते हैं, 100% आपके लिए प्रेम संबंध फेवर में रहेंगे। और पारिवारिक जीवन भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और वैवाहिक जीवन भी, यानी अगर आप प्रेम जीवन, परिवार और वैवाहिक जीवन को देखें तो ये आपके लिए सबसे अनुकूल इन दिनों में रहेंगे। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य आपका कैसा होगा। तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, पहले से कुछ परेशानी थी तो वो भी सॉल्व हो जाएंगी। आज का दिन आपके लिए खुशखबरियाँ लेकर आएगा, आपका व्यवहार सकारात्मक होगा और सकारात्मक व्यवहार के चलते एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके लिए नहीं दिख रही है। छोटी मोटी कुछ चीज़ों की बात नहीं करते, जो परेशान करती हैं ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ना उठाएं। आप कुछ योग आदि ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें अपने एनर्जी को बरकरार रखने के लिए। आध्यात्मिक रहेंगे, अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ेगा आज आपका, मानसिक शांति मिलेगी उससे और अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा। साथ में कुछ ऐसी क्रियाएं ज़रूर करें दिन भर में जो आपके शरीर को उचित आराम दे सकें, एक आपके शरीर को चुस्ती फुर्ती दे सकें। अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो इस दिन आप उपाय के तौर पर, अगर आपको चींटियाँ दिखती हैं तो चींटियों को थोड़े से आटे में गुड़ मिलाकर या चीनी मिलाकर या बूरा मिलाकर चींटियों को डालें, इससे आपकी नौकरी और बिजनेस में फ़ायदे के योग बनेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।